हे गाइस, माय नेम इज अमित एंड वेलकम बैक टू अनदर माय न्यू वीडियो। गाइस, आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ कि यदि आपके पास आईफोन है और आप अपना डाटा एंड्रॉयड फ़ोन में शेयर करना चाहते हैं बट वहाँ पर शेयर करने का तरीका नहीं मालूम रहता है। गाइस, जो एंड्रॉयड का होता है हमारा, वो तो आसान तरीके से किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल में हम लोग शेयर कर पाएंगे, बट गाइस जब आईफोन आता है तो आईफोन में से डेटा ट्रांसफर हम लोग एंड्रॉयड में नहीं कर पाते। काफ़ी लोग वहाँ पर गाइस परेशान हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में गाइस मैं आपको बताऊंगा कैसे आप एक सिंपल तरीके से एप्लीकेशन के मदद से आप लोग जो आपका आईफोन में डेटा है वो अपने एंड्रॉयड में कैसे ट्रांसफर कर पाएँ। ठीक है, तो मैं कैसे आप एक आईफोन से और एक एंड्रॉयड मोबाइल में दोनों का डेटा एक दूसरे में कैसे शेयर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन सा एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो गाइस आप लोग को चलिए मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर चलते हैं, वहाँ बताते हैं। मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूँ और गाइस आप सभी लोग देख सकते हैं मेरे एक मोबाइल फ़ोन में आईफोन है और एक फ़ोन में एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड फ़ोन है। ठीक है, तो इसका डाटा ट्रांसफर हम लोग इसमें एंड्रॉयड में कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए गाइस आपको एक एप्लीकेशन ज़रूरत होगी जो आपके आईफोन में होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले गाइस यहाँ पर हम अपना वाईफाई कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब आपको प्ले स्टोर पर जाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर इसका ऐप स्टोर होता है गाइस, इसमें आईफोन में प्ले स्टोर नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हमारा ऐप स्टोर ओपन हो रहा है, तो यहाँ पर सर्च बार एक ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो सर्च बार पर क्लिक कीजिएगा एंड गाइस यहाँ पर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, सेंड एनीवेयर। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन यहाँ पर आ गई है, मैं सर्च कर देता हूँ। तो यही एप्लीकेशन है, आपको इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंस्टॉल करने के बाद गाइस आपको अपने इस फ़ोन में सेंड एनीवेयर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सेंड एनीवेयर, ठीक है, एनीवेयर, तो यहाँ पर आ गया सेंड एनीवेयर एप्लीकेशन। ठीक है, तो मैंने इंस्टॉल कर लिया था पहले से। ठीक है, तो अब आपको करना क्या पड़ेगा, तो सेंड एनीवेयर एप्लीकेशन को मैंने तो पहले से इंस्टॉल किया था, तो उस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं दोनों फ़ोन में। ठीक है, तो ये है सेंड एनीवेयर एंड गाइस इसमें भी सेंड एनीवेयर एप्लीकेशन है, दोनों ओपन करते हैं और आप लोग को लाइव यहाँ दिखाते हैं कि कैसे डेटा ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर ढेर सारे फोटोज़ हैं। अब मान लीजिए यहाँ के जितने भी फोटोज़ वगैरह हैं, मान लीजिए ये फोटो है, ये सेलेक्ट कर लिया एंड गाइस यहाँ पर एक फोटो और है, ये सेलेक्ट करके मुझे इसमें लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर सेंड का ऑप्शन दिखेगा, आप लोग को दिख रहा होगा, तो सेंड पर क्लिक कीजिए एंड गाइस यहाँ पर रिसीव वाला ऑप्शन है, इस पर रिसीव कीजिए। ठीक है, एंड गाइस अभी यहाँ पर कुछ ऑप्शन बन रहा है, आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद गाइस आपके मोबाइल फ़ोन पर कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो आप लोग चाहे QR को स्कैन कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली इसको स्कैन कर लूँगा। ठीक है, जैसे स्कैन करूँगा तो यहाँ पर भी सेंड हो रहा है मेरा फोटो वगैरह, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आईफोन से हमारे रेडमी में शेयर हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए कितना जल्दी यहाँ पर शेयर हो गया मेरा फोटो, लगभग यहाँ पर 5 MB का है। ठीक है, फोटो और यहाँ पर भी यहाँ पर शेयरिंग हो रहा है, तो सारे के सारे फोटो इस हमारे आ गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। आपको यहाँ पर डाउनलोड करके मैं दिखा देता हूँ, 3 फोटो आए हैं। ठीक है, तो ये देख लीजिए यहाँ पर फोटो वगैरह जितने भी मेरे थे शेयर हो गए। इसी प्रकार से गाइस इसमें से आप वीडियो वगैरह शेयर कर पाएंगे, यही एप्लीकेशन इसमें चलता है। तो ये एप्लीकेशन कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कीजिएगा एंड गाइस चैनल पर न्यू है अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।